हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता राज। स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब के चैनल साइकोलॉजी की दुनिया में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो आज मैं ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में पता तो सबों को होगा, लेकिन ये होता कैसे है हम इस वीडियो में जानेंगे, तो एंड तक देखिएगा जरूर। तो वो टॉपिक है मेमोरी, यानी स्मृति। इसे हम आम भाषा में याद भी कहते हैं। हम सबों ने फिल्मों और रियल लाइफ में देखा और सुना ही होगा कि किसी की मेमोरी लॉस हो गई तो किसी को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, किसी को याद भी रहता है। कभी कभी किसी व्यक्ति से बात करके ऐसा लगता है कि ये बात तो उसने मुझे बताई थी, लेकिन ये मुझे याद क्यों नहीं है। ऐसा क्यों होता है ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मेमोरी होता क्या है। जो हम सीखते या पढ़ते हैं उसे मेमोरी स्टोर करके रखता है, या यूं कहे तो पढ़ा और सीखा हुआ मेमोरी स्टोर करके रखने की क्षमता रखता है। जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये आपके स्मृति में स्टोर हो जाती है। ना 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 ना, बस इतना ही नहीं है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और हाँ दोस्तों, मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो लाते ही रहूंगी। तो अब हम जानते हैं पढ़ा हुआ सीखा हुआ हमारी मेमोरी में स्टोर कैसे होता है। ये तीन तरह से होती है, या मेमोरी के 3 कंपोनेंट के द्वारा होती है, जो है इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। पहले इनकोड होता है, फिर स्टोर होता है, और फिर रिट्रीवल। जस्ट लाइक कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल, पहले हम कीबोर्ड से कंप्यूटर में इनकोड करते हैं, फिर वो स्टोर कर लेते हैं, और जब उस सूचनाओं की आवश्यकता होती है तो हम उस कंप्यूटर से रिट्रीवल कर लेते हैं। सिंपल। तो इसी तरह हमारी मेमोरी में भी होती है, पहले इनकोड, फिर स्टोर और फिर रिट्रीवल आवश्यकता पड़ने पर। अब हम इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो पहला है इनकोडिंग। इसमें किसी भी सूचना को संकेत के रूप में नर्वस सिस्टम में हम ग्रहण करते हैं। नर्वस सिस्टम, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ये ब्रेन से रिलेटेड है, इस पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी। इनकोडिंग जो है वो 3 तरह से होती है, विजुअल, सिमेंटिक और अकोस्टिक, यानी देख के, समझ के और सुन के। अगर आप कोई भी सूचना या कार्य सीखते समय ध्यान ना दे तो आप उस सीखी हुई चीज को बहुत कम समय तक स्टोर करके रख पाएंगे। जैसे मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ, जब मैं सिलाई सीखती थी तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से सीखी, उसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी करने लगी, तो मेरा ध्यान सिलाई पे नहीं रहा और मैं उतने अच्छे से सिलाई नहीं सीख पाई। इसलिए जो भी सीखे या पढ़े तो पूरी अटेंशन के साथ, नहीं तो पढ़ा और सीखा हुआ हम ज्यादा टाइम तक स्टोर करके नहीं रख पाएंगे, या हम कुछ ही टाइम में उसे भूल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज में हम सीखी हुई सूचना को स्टोर करके रखते हैं जब तक कि आवश्यकता ना पड़े। जैसे हमने यूट्यूब से पिज्जा बनाना सीख लिया, मतलब इनकोड किया, और फिर उसे आवश्यकता पड़ने तक स्टोर करके रखते हैं कि पिज्जा कैसे बनता है। दोस्तों, मैं ऐसा एग्जांपल लेके आती हूँ जो हम सबके लाइफ में होता है, जिसे आप आसानी से समझ सकें। तो तीसरा है रिट्रीवल। जो हमने स्टोर किया था उसे आवश्यकता पड़ने पर दोबारा स्मरण या याद कर सके। अब रिट्रीवल भी 3 तरह से होती है, पहला रिकॉल, दूसरा रिकॉग्निशन और तीसरा रीलर्निंग। रिकॉल यानी जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं तो हम दरवाजे से ही आवाज लगाते हैं, घर पे कोई है, इसी तरह आवश्यकता पड़ने पर हम अपने ब्रेन से पूछते हैं, मैंने जो स्टोर करके रखा था वो अब मेरी स्मृति में है या नहीं। अब है रिकॉग्निशन। इसमें जब घर के लोग उसकी आवाज सुनते हैं तो सोचते हैं, अरे इसकी आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, चलो जाके देखती हूँ। इसी तरह हम सोचते हैं कि ये तो सुना सुना लग रहा है, शायद मैंने इसे पढ़ा या सीखा था। लास्ट है रीलर्निंग। जब हम रिकॉल रिकॉग्निशन करते हैं तो हमें याद आ जाता है, अरे हाँ ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था। तो आपने जाना
कैसे हम पढ़ा और सीखा हुआ याद करते हैं। जैसे ये वीडियो इंटरेस्टिंग थी, वैसे ही अगली वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।